हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल सबको शिक्षा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डाटा साइंस इंजीनियरिंग के डाटा एनालिसिस पाइथन के पांडास डाटा स्ट्रक्चर पे क्विज लेने वाले हैं। तो उसमें 10 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग कैन बी डाटा इन पांडास। इन नीचे दिए गए में से कौन सी चीज़ एज ए डाटा पांडास में होती है? तो ऑप्शन ए है पाइथन डिक्शनरी, ऑप्शन बी है ए एन स्पेस एन डी आर ए, ऑप्शन सी अ स्केलर वैल्यू एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द मेंशन अबव। द पास्ट इंडेक्स इज ए लिस्ट ऑफ एक्सिस लेबल। तो इनमें से कोई भी पाइथन डिक्शनरी एंड एन डी आर ए स्केलर वैल्यू कोई भी एज ए डाटा पांडास में नहीं होती। तो एंड उसमें सजेशन दिया है कि द पास्ट इंडेक्स इज ए लिस्ट ऑफ एक्सिस लेबल। क्वेश्चन नंबर टू, पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे दिए गए में से करेक्ट स्टेटमेंट पॉइंट आउट कीजिए। इफ़ डाटा इज ए लिस्ट, इफ इंडेक्स इज पास, द वैल्यूज इन डाटा करस्पॉन्डिंग टू द लेबल्स इन द इंडेक्स विल बी पुल्ड आउट। ऑप्शन बी, नैन इज द स्टैंडर्ड मिसिंग डाटा मार्कर यूज इन पांडास। ऑप्शन सी, सीरीज एक्ट्स वेरी सिमिलर टू ए आर ए। ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशन अबव। तो ऑप्शन ए है, इफ डाटा इज ए लिस्ट, इफ इंडेक्स इज पास्ट, द वैल्यूज इन डाटा करस्पॉन्डिंग टू द लेबल्स इन द इंडेक्स विल बी पुल्ड आउट। ऑप्शन बी है, नैन इज द स्टैंडर्ड मिसिंग डाटा मार्कर यूज इन पांडास। ऑप्शन सी है, सीरीज एक्ट्स वेरी सिमिलर टू ए आर ए। ऑप्शन डी है, नन ऑफ द मेंशन अबव। तो उसका करेक्ट क्या है? तो ऑप्शन बी, नैन इज द स्टैंडर्ड मिसिंग डाटा मार्कर यूज इन पांडास। इफ डाटा इज ए डिक्शनरी, अगर डाटा डिक्शनरी है। If index is passed, the values in data corresponding to the labels in the index will be pulled out. तो अगर index is passed करते हैं values को data में, तो corresponding to the labels in the index will be pulled out. तो corresponding जो labels होते हैं index जो labels में होते हैं वो pulled out हो जाते हैं। Question number 3. The result of an operation between the unlined series will have the blank of the indexes involved. जो result होता है ऑपरेशन का किसके बिटवीन, द अनलाइंड सीरीज विल हैव द ब्लैंक ऑफ द इंडेक्स इन्वॉल्व। तो इनमें से कौन सा, नीचे देखिए में से कौन से इंडेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं? तो ऑप्शन है ए की इंटरैक्शन इंटरसेक्शन, ऑप्शन बी है यूनियन, ऑप्शन सी है टोटल एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो उसका सही आंसर है यूनियन। इफ लेबल इज नॉट फाउंड इन वन सीरीज और द अदर, द रिजल्ट विल बी मार्क्ड एज मिसिंग एन ए एन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट कैन बी एक्सेप्टेड बाय डाटा फ्रेम। नीचे दिए गए में से कौन सा एलिमेंट जो होते हैं वह एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है डाटा फ्रेम। तो ऑप्शन ए है स्ट्रक्चर्ड एन डी आर ए, ऑप्शन बी सीरीज, ऑप्शन सी डाटा फ्रेम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो सही आंसर है all of the mentioned. Data frame is a two-dimensional label data structure with columns of potentially different types. Data frame एक two-dimensional label data structure है with columns of potentially different types. और उसके columns में potentially different types आते हैं। Question 5, point out the wrong statement. नीचे देखे में से wrong statement point out करना है। A data frame is like a fixed size dictionary in that you can get and set values by index label. Series can be passed into the most numpy methods expecting an NDRA. A key difference between the series and NDRA is that operations between the series automatically align the data based on label. Option D, none of the mention. So option A, a data frame is like a fixed size dictionary in that you can get and set values by index label. Option B, a series can be passed into most numpy methods expecting an NDRA. ऑप्शन सी है, अ की डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड एन डी आर इज दैट ऑपरेशन बिटवीन द सीरीज ऑटोमेटिकली अलाइन द डाटा बेस्ड ऑन लेबल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन। तो उसका सही आंसर है ए, अ डाटा फ्रेम इज लाइक ए फिक्स्ड साइज डिक्शनरी इन दैट यू कैन गेट एंड सेट वैल्यूज बाय इंडेक्स लेबल। तो ये सरासर गलत है। अ सीरीज इज लाइक ए फिक्स्ड साइज डिक्शनरी इन दैट यू कैन गेट एंड सेट वैल्यूज बाय इंडेक्स लेबल। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स अ डिक्शन डिक्ट ऑफ डिक्ट्स और ए डिक्ट
ऑफ अरे लाइक सीक्वेंस एंड रिटर्न से डाटा फ्रेम। मैं क्वेश्चन फिर से दोहराता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स ए डिक्ट ऑब्जेक्ट्स और ए डिक्ट ऑफ अरे लाइक सीक्वेंस एंड रिटर्न से डाटा फ्रेम। ऑप्शन ए डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस आइटम्स, डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस रिकॉर्ड्स, डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस डिक्शनरी एंड डी ए ऑल ऑफ द मेंशन। तो उसका सही आंसर है ए, डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस आइटम्स। डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस डिक्ट ऑपरेट्स लाइक द डाटा फ्रेम कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट फॉर द ओरिएंट पैरामीटर विच इज कॉलम्स बाय डिफॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सीरीज इज ए वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे केपेबल ऑफ होल्डिंग एनी डाटा टाइप। सीरीज एक वन डायमेंशनल लेबल्ड एरे होते हैं जो केपेबल होते हैं किसी भी डाटा टाइप को होल्ड करने के लिए। तो ये सही है गलत है? तो ये है सही। द एक्सेस लेबल्स आर कलेक्टिवली रेफर्ड टू एज द इंडेक्स। एक्सेस लेबल जो होते हैं वो कलेक्टिवली रेफर्ड होते हैं एज ए इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एनालॉगसली टू द फॉर्म ऑफ द डिक्ट कंस्ट्रक्टर। नीचे दिए गए में से कौन एज ए वर्क्स एनालॉगसली होता है टू फॉर्म द डिक्ट कंस्ट्रक्टर। ए डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस आइटम्स, डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस रिकॉर्ड्स, डाटा फ्रेम डॉट डॉट फ्रॉम लोअर केस डिक्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन अबव। तो उसका सही आंसर है डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस आइटम्स। डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस रिकॉर्ड्स टेक्स अ लिस्ट ऑफ टपल्स और एन एंड एरे विद द स्ट्रक्चर डी टाइप। तो ये इसने इन्होंने ये कहा है कि डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस आइटम्स क्या फॉर्म एनालॉगसली वर्क्स करते हैं टू फ्रॉम द डिक्ट कंस्ट्रक्टर, और जो डाटा फ्रेम डॉट फ्रॉम लोअर केस रिकॉर्ड्स होते हैं वो लिस्ट ऑफ टपल्स पे वर्क करते हैं, और एन डी एरे और एन एन डी एरे विद द स्ट्रक्चर डी टाइप, और एन डी एरे जो है स्ट्रक्चर डी टाइप में। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वर्क्स विद द सेम सिंटेक्स एज द एनालॉगस डिक्ट ऑपरेशन। नीचे दिए गए में से कौन से ऑपरेशन वर्क्स होते हैं एज द सेम सिंटेक्स एज द एनालॉगस डिक्ट ऑपरेशन। तो ऑप्शन ए गेटिंग कॉलम्स, ऑप्शन बी सेटिंग कॉलम्स, ऑप्शन सी डिलीटिंग कॉलम्स एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो उसके सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। यू कैन ट्रीट अ डाटा फ्रेम सिमेंटिकली लाइक अ डिक्ट ऑफ लाइक इंडेक्स्ड सीरीज ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 10, इफ डाटा इज एन एनडीआरए इंडेक्स मस्ट बी द सेम लेंथ एज डाटा। अगर डाटा एज एक एनडीआरए होता है तो इंडेक्स मस्ट बी सेम लेंथ एज डाटा। तो ये सही है गलत है? तो ये है सही। इफ नो इंडेक्स इज पास्ड वन विल बी क्रिएटेड हैविंग वैल्यूज 0, कॉमा डॉट 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 लेंथ डी ए टी ए डॉट माइनस 1। अगर कोई भी इंडेक्स पास नहीं होता तो वन विल बी क्रिएटेड हैविंग वैल्यूज, एक हमें ऐसे क्रिएट करना होगा वैल्यूज 0 डॉट डॉट लेंथ डाटा ए डॉट माइनस 1। तो ये सही है, इफ डाटा इज इन इंडिया आर इंडेक्स मस्ट बी द सेम लेंथ एज डाटा। तो इसी तरह से हमने डाटा साइंस इंजीनियरिंग क्विज के पांडास डाटा स्ट्रक्चर जो डाटा एनालिसिस इन पाइथन में होते हैं उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ आप हमें लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल सबको शिक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए आप अपने आप को मोटिवेटेड और हमेशा फोकस रखिए अपने स्टडी के लिए। धन्यवाद।